तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस के प्रोबेशनर कैडेट से बात की। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा आईपीएस अधिकारियों से उनके अनुभवों पर चर्चा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, तनाव में काम करने वालों के लिए योग और प्राणायाम काफी अच्छा है, आपको हमेशा इसका फायदा मिलेगा। जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ उठ करके जाना भी पड़ा होगा, मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा, काम कितना ही होगा आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये भाव होना चाहिए कि खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, जितना सम्मान मेरा तिरंगे के प्रति होता है उतना ही सम्मान खाकी के प्रति भी होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने वाली 28 महिलाओं सहित 131 युवा आईपीएस अफसरों को तनावपूर्ण जीवन में भी खुश रहने के टिप्स दिए। दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वर्चुअल हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।